हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव नतीजों पर बोलते हुए कहा कि योगेश्वर दत्त ने फाइट बहुत अच्छी की। कांग्रेस प्रत्याशी इंदुराज नरवाल को बधाई देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हार जीत चलती रहती है, चुनाव में दोनों दलों के कार्यकर्ताओं ने पूरा जोर लगाकर योगेश्वर दत्त के लिए वोट मांगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही 50,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। वोट किसको ट्रांसफर हुआ ये तो आप सबको भी पता है। अगर वोट 50,000 से ज्यादा आए हैं तो दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं की मेहनत से आए हैं, मगर कांग्रेस के पक्ष के अंदर लोगों ने ज्यादा वोट डाले हैं और उपचुनाव कोई पहला नहीं है जो सरकार के विपक्ष गया हो। मुझे याद है 2009 के अंदर जब अहलाबाद का बाय इलेक्शन हुआ था तो वो बाय इलेक्शन भी जनता ने भूपेंद्र हुड्डा की सरकार के विरुद्ध में 6,000 वोटों से अभय सिंह चौटाला को जिताया था। तो ये तो समय की बात होती है। मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की सीट थी, जनता ने कांग्रेस को दी। अगर गठबंधन की सीट होती और वो कांग्रेस को जाती जब तो हम मानते कि एक बदलाव लोगों ने चाहा। बधाई देता हूं इंदुराज को कि जनमत उनके पक्ष में है, मगर योगेश्वर ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी और दोनों संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर 50,000 से ज्यादा वोट बड़ौदा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लिए हैं। ये जनता का प्यार है। बिल्कुल जो गठबंधन की सोच थी उस सोच के प्रति वोटर टर्नआउट उस प्रतिशत तक नहीं पहुंचा। हम उम्मीद कर रहे थे कि 60,000 प्लस गठबंधन को वोट मिले, वो 50,000 क्रॉस कर